लोकेशन पर आ चुके हैं और पूछते हैं सबसे इसके बारे में क्या ओपिनियन है। उम्मीद है कि ये फाइनल लोकेशन हो फिशिंग के लिए। तो चलें सबसे पहले पूछते हैं रहमान भट्ट साहब से। जी जरा। जी भट्ट साहब, ये कैसी कैसी जगह? नहीं, ये बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ बाकियों से मतलब जहाँ छोड़ के आए हैं बाकियों से, ये फाइनल है? हाँ जी, ये फाइनल है। इसके बाद कहीं और तो नहीं जाएंगे? इसकी लहर करीब है, डीप है ये, ज़्यादा डीप है। तो इधर ही स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सब कुछ जो भी है। जी चाचू जान, क्या ओपिनियन है? ओपिनियन, लेट्स ट्राई इंशाल्लाह, होप वी विल बी गुड। लेकिन पिछले से बेहतर है या वो बेहतर थी? वी कैन नॉट से इट्स द बेटर देन आफ्टर विल बी वन और टू शॉट एंड देन विल बी सी दैट इंशाल्लाह। चलें इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या किया जा सकता है अब यहाँ पर मज़ीद। तो जैसा कि देख रहे हैं आप के गाड़ी लग चुकी है हमारी फ़िशिंग वाली। बेसिकली इसको फ़िशिंग वाली गाड़ी इसलिए मैंने बोला है क्योंकि इसकी डिगी में तकरीबन सारा फ़िशिंग का सामान है। तो इस वजह से अभी इस गाड़ी को ऐसे करीब ही लगा लिया गया ताकि ईज़िली यहाँ से सामान निकाल कर फ़िशिंग के लिए स्टिक्स को तैयार किया जाए। तो अभी आप सबको फ़िशिंग के जो जितना भी सामान है उसकी अनलोडिंग दिखाते हैं कि हम क्या क्या कुछ अपने साथ लेकर आए हैं फ़िशिंग के लिए। जैसा कि आप अब देख रहे हैं कि फिशिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। स्टिक चाचू ने लगा ली है और स्टिक फेंक दी है। देखो इधर आ जाओ, इधर आगे नहीं जाने, इधर आ जाओ। ये देखिए हमारी मिट्टी क्या कर रही है। तो फिशिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। रहमान जो है इस वक्त बकरा बनाएगा। बकरा अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि बकरा किसको बोलते हैं, तो फिर आप समझ जाएंगे कि बकरा किसे कहते हैं। तो चलो आपको रहमान के पास लेकर चल रहा हूँ और उसे पूछते हैं कि वो क्या करने लगा। जी भट्ट साहब, क्या करने लगे हो? मैं ये लगाने लगा फंडी फर्नील। इसको फर्नील बोलते हैं पहले से। बेसिकली अरबी में फर्नील बोलते हैं और उर्दू में इसे बोलते हैं समुद्री जाग। ये बेसिकली काकी की तरह का होता है, पूरा बॉक्स होता है, जैसे मैंने काटा है हल्की शेप में। अच्छा, तो इसको करना क्या है? इसको मैंने तैयार करके इसके ऊपर फिश रख के, अच्छा, सेम लाइक बोट बनानी है। ये किस्म का है कि अंदर तक चला जाए। अच्छा, ताम होता है, मतलब ताम या कुछ भी। अच्छा, खाने के लिए उसका चारा लगाना है। ठीक, मैं भी आपको बना के दिखाता हूं। चलें आप बनाएं तो फिर हम सबको दिखाएंगे कि ये क्या बनाया आपने। बस तैयारी कर रहे हैं
पूरी तैयारी में है। अच्छा इंशाल्लाह ताला फेंकते हैं इसे। अच्छा ये बताएं तो सही, ये क्या लगा रहे हैं इसको? ये भी मछली को पकड़ने के लिए मछली ही लगानी पड़ती है। मिठो भी फिशिंग कर रही है जी, छोटी मिठो भी देखते हैं। ये मैं छोटी मिठो जी। रहमान साहब ये क्या बनाया आपने? कड़ा बनाया वैसे। अच्छा ये क्या करेगा? लहरों से गिर चलो ठीक है फेंको और देखते हैं फिर क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक। तो अभी कुछ सीन कुछ इस तरह है कि फिशिंग का किसी को भी मज़ा नहीं आ रहा, तो अब यही प्लान बन रहा है कि पैकअप किया जाए और जल्द अज जल्द यहाँ से निकला जाए। तो चलें कुछ थोड़े से व्यूज़ लेते हैं सबसे कि सब क्या इस कॉर्निश के मुताबिक क्या सोचते हैं, यहाँ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं मामू से। जी मामू जान लोग खोल दें और फिर बताएं कि क्या इस समुंदर से आप क्या तवक्को रखते थे और क्या आपको मिला आगे? यार इसके बारे में सुना तो काफ़ी था इसके बारे में कि यहाँ पे फिश जो है काफ़ी है। हकीकत है समंदर में फिश तो होती है, लेकिन मसला ये है कि इधर या तो नीचे पत्थर बहुत ज़्यादा है जिनकी वजह से फिश लगती है, लेकिन जो वेट है हमारा टूट जाता है। तो लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ हम असल में कुछ या हमें कुछ पॉइंट वो नहीं मिला जो मेन फिशिंग का पॉइंट होता है, क्योंकि समंदर तो आपको पता है काफ़ी बड़ा है, हमारे पास गाड़ी भी छोटी है। उसके बाद दूसरी बात यह कि हमारे पास जो गाड़ी है वो प्रॉपर नहीं है और ये एरिया पूरे का पूरा ऐसा है जिसमें गाड़ी की सस्पेंशन अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। SUV जो गाड़ियां हैं वो हो तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं वैसे आपको रिकमेंडेशन यही करूँगा कि इस प्लेस पे आना बेकार है फिशिंग के लिए, क्योंकि इसके नीचे पूरा पत्थर है। जज़ाकअल्लाह जी। मुर्ज़ा भाई क्या कहते हैं आप लोग? पैकिंग करो सेम आप ही यही बोल रहे हैं। अच्छा ठीक जी। अरसान भाई सर मैं तो इनको पहले ही कह रहा था जो व्यू है ये सब व्यू लेने के लिए है, फिशिंग के लिए नहीं है। अच्छा जी चाचू जान आप क्या इसके बारे में कहेंगे? फेयर रिव्यू बताएं। फ्रेंडली नथिंग गेट कुछ भी नहीं है बैड एक्सपीरियंस। अच्छा जी रहमान साहब क्या कहेंगे? मैं वही हूँ इन सबको यहाँ पे लाया हूँ।
अच्छा। लेकिन मेरे ठीक है, लेकिन हमें पॉइंट नहीं, जो जो वीडियो मैंने देखी थी, जिस वीडियो पे मैं आया हूँ, वो हमें पॉइंट नहीं मिल सका। तो मतलब आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन सर मैं ये कहूँगा कि फैमिली पॉइंट नहीं है ये। फैमिली पॉइंट नहीं है, फिशिंग के लिए आए हैं, ये बहुत बहुत अच्छे पॉइंट है, लेकिन गाड़ी बड़ी लाए, छोटी गाड़ी का काम नहीं है। छोटी गाड़ी थी जिस वजह से हमने पहले स्टे कर लिया, शायद हो सकता है कि आगे पॉइंट अच्छी हों फिशिंग के लिए, क्योंकि मैंने इस जगह का बहुत नाम सुना है फिशिंग के लिहाज से, और यूट्यूब पर भी इस पर बहुत वीडियो है फिशिंग। सही, तो चलें, जैसा कि आप सब, आपने सबके रिव्यू सुन लिए होंगे, तो इस वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करते हैं और आप सबसे इजाज़त चाहते हैं। सब दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।